बढ़ेंगे। मंजू देवी हैं हमारे साथ चौड़िया से, हमें कॉल कर रही हैं, माफ कीजिए मंजू देवी चौड़िया, हाँ हमें बंगलुरु से कॉल कर रही है। मंजू जी बहुत स्वागत है आपका, और आपका नाम रिजेंबल कर रहा है जो एक बड़ी फेमस कैरेक्टर इन दिनों हो चुकी है इंडिया में पंचायत वेब सीरीज के लिए, तो उससे भी हम थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हैं। राइट, बताइए क्या सवाल होगा आपका। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते मैम, मेरे पास BHL का शेयर है 1500। जी जी, रेट 73। ओके मैम, बेचू की मैं होल्ड करूं? अच्छा ठीक है, जरूर आपको यहाँ पे सलाह देते हैं। तो 1500 HDFC बैंक का भी है मेरे पास। अच्छा, HDFC बैंक भी जी, वो भी पूछिएगा, पहले BHEL पे मैं आपको सलाह दिलवा देता हूँ। तो अमित जी, BHEL के शेयर्स हैं इनके पास 1500, अच्छी क्वांटिटी है, और जिस भाव पे लिए हैं 73, वहां से इनको 260 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है मैम को इस वक्त, क्या करना चाहिए? जी विपिन जी, काफी PSE स्टॉक्स में हम फ्रेश ब्रेकआउट्स देख रहे हैं, काफी स्ट्रेंथ देख रहे हैं गवर्नमेंट स्टॉक्स में, और यहाँ पे भी हमने आज के सत्र में पिछले दो दिनों में 52 वीक हाई देखा है, तो वीकनेस तो कहीं भी नहीं है चार्ट में। फ्रेश ब्रेकआउट्स यहाँ नजर आ रहे हैं, तो सलाह ये है कि अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 319 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें। चलिए जी, तो 319 का मैम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको लगाना, और होल्ड कीजिए, आगे आपको और फायदा मिलेगा। आपने HDFC बैंक